हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपा और स्वागत है आपका मेरे चैनल डीके किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं विदाउट अल्कोहल क्रिसमस केक कैसे बनाते हैं, और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है और बनाने में उतना ही आसान होता है। और घर में जो अवेलेबल चीज़ें होती है उससे ही आज ये केक बनने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलो इस आसान से केक की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक मिक्सिंग जार, और इसमें हम ऐड करेंगे मिक्स फ्रूट जूस या ऑरेंज जूस भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैं आधा जूस ले लूँगी, और ज़रूरत पड़े तो फिर से हम जूस ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिए है किशमिश, काले किशमिश, और ये है टूटी फूटी और चेरी, और यहाँ पे मैंने कुछ खजूर लिए हैं और इसको मैंने बारीक चॉप किया है इन दोनों को। तो ये सब हम इसमें मिक्स करेंगे। और इन सबको हमें 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और अच्छे से ये भीग चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए है 3 अंडे, और इन अंडों को हमें फोड़ लेना है। और इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर और घी ऐड करने वाले हैं, जो हमने घर में बनाया है घी, उसी से एक एक हम बनाने वाले हैं। शक्कर यहाँ पे मैंने 1 बाउल से थोड़ा कम लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैदा यहाँ पे मैं 1 बाउल लेने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने शक्कर लिया है। तो इन अंडों के साथ इस शक्कर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे हम लेंगे घी, जो हमने घर में बनाया है, तो 1 बाउल से थोड़ा सा कम यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ। और इन सबको हम फिर से अच्छे से फेंट लेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून वेनिला एसेंस, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दालचीनी पाउडर और इलायची पाउडर, और इन सबको फिर से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने काजू और बादाम को थोड़ा सा चॉप किया है, और मैदे के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि केक के बेस में ये बैठ ना जाए, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने लिए है 1 बाउल मैदा, और अच्छे से इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने मैदा लगा कर रखा था। उसके बाद हम ऐड करेंगे ये जो हमने जूस में सारे इंग्रेडिएंट्स भिगो कर रखे थे, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और इन सबको हम अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो केक का मिश्रण है बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी लग रहा है अभी से, और एक केक खाने में उतना ही डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे सारे मिश्रण को हमने बिल्कुल बैटर अच्छे से तैयार कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये बैटर बन चुका है। हमने यहाँ पे एक लिया है केक टिन, और अच्छे से इसको घी लगाएंगे। चाहे तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटर पेपर नहीं लगाने वाली हूँ। और घी अच्छे से चारों तरफ से लगा लेंगे, और इसके ऊपर फिर हम थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करेंगे ताकि केक अच्छे से निकल जाए।
मैदे को हमने चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लिया है और फिर हम ये जो बैटर है केक का वो हम ऐड करेंगे इसमें। फिर इसको हम अच्छे से टैप करेंगे ताकि इसमें कोई बबल्स ना रह जाए। और ये केक हम माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं तो इसको हम पहले प्रीहीट कर लेंगे। प्रीहीट करने के बाद इसको हम 180 डिग्री पे रखकर इसको हम अच्छे से इस केक को बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बड़ा सा रैक रहता है वो ऐड करेंगे इसमें माइक्रोवेव में, और ये जो केक है इसके ऊपर जो टिन है हम रख देंगे। और इसको हमें 15 से 20 मिनट तक अच्छे से बेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा प्लम केक है बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और बहुत ही अच्छे से इसको कलर भी आ चुका है और बहुत ही ये स्पॉन्जी बना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं काट कर आपको दिखा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा तैयार है विदाउट अल्कोहल प्लम केक यानी क्रिसमस केक, और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इस क्रिसमस में इस केक को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।